शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम काली शक्तियों को कभी मारा नहीं जा सकता, बल्कि हम स्वयं अपने हाथों से खुद को मार सकते हैं। अब यहां पर तेरी अंबे मां की शक्ति भी नहीं है जो इस अधिराज को फिर से जीवित कर सके। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा, ताकि तेरी आहुति देकर हम अपनी चंद्रमणि सिद्ध कर सकें। ने खुद कहा था ना कि अपनी जान ले सकती है काली शक्ति। देख, मैंने अपनी जान ले ली और तेरी योजना असफल हो गई डाकिनी। हमारी बड़ी सुने ना, तुमने क्यों किया? अधिराज के बिना सेना जीवित कैसे रहेगी? जा अधिराज, नहीं सुनेना, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का है अधिराज, जन्मों जन्म का। बेटे और बहू का शव देख, देख कैसे मरे पड़े। मुझे मारने का
स्वप्न देख रहे थे, देख खुद मर गए। तुझे क्या लगा डाकिनी, तू जीत गई? नहीं, तू इन दोनों के शरीर को तो मार पाई, किंतु इनके प्रेम को नहीं मार पाई। अम्बे माँ इन्हें वापस लेकर आएगी, इनका फिर से जन्म होगा और ये तेरा विनाश करेंगे, तेरा विनाश। ये एक माँ का श्राप है तुझे, जिस राजमहल के लिए वर्षों तक तू तड़पी, उसी में तू कैद होकर रह जाएगी। और अभी राज और सुनेना तेरा विनाश करेंगे, तेरा अंत करेंगे। तिराज और सुनेना वापस आएंगे, वापस आएंगे। अधिराज, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। अधिराज और सुनेना जब भी जन्म लेंगे, एक दूसरे के लिए लेंगे। अरे जल्दी आओ, अंबे माँ के दर्शन कराने हमारे बेटे अधिराज को। पंडित जी ने कहा बड़े ही अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुआ है हमारा बेटा। बड़ी भाग्यशाली है हमारी सुनेना, इतने सालों से हमें इच्छा थी माता अंबे की मंदिर आने की, आज इसके आने से हमारी ये इच्छा भी पूरी होगी। चंद्रलेखा, तुम्हारा अंत निकट है, उन दोनों ने वापस जन्म ले लिया है, तेरी मृत्यु बनकर। हमारी मृत्यु बनकर नहीं, बल्कि चंद्रलेखा को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए जन्म ले रहे हैं वो दोनों, जो हम वर्षों पूर्व नहीं कर पाए वो इस बार जरूर करेंगे। तभी तो हम उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे।